नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 29 जनवरी 2020 और हम लोग इस डिस्कशन में डेली न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल होते हैं उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं और उसके जो फैक्ट होते हैं उसको एक्सप्लेनेशन के तौर पे देखते हैं। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया 2020 एनर्जी पॉलिसी रिव्यू। योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज, मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन पार्टनरशिप विथ नीति आयोग रिलीज इन डेप्थ रिव्यू ऑफ इंडिया एनर्जी पॉलिसी। ठीक है, सेकेंड फैक्ट इज, दिस फर्स्ट इज डेप्थ रिव्यू ऑफ इंडियाज एनर्जी पॉलिसी एग्जामिन द कंट्रीज अचीवमेंट इन डेवलपिंग इट्स एनर्जी सेक्टर एज वेल एज द चैलेंजेस इट्स फेसेस इन इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपके ऑप्शन है वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। तो जो आपका ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट है वो गलत है, क्योंकि इसको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ मिलकर निकाला जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। एक बार हम लोग एनर्जी पॉलिसी रिव्यू के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है पार्टनरशिप विथ नीति आयोग इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा मिलकर के निकालती है। इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है एनर्जी पॉलिसी के बारे में, रिकमेंडेशन है सपोर्ट गवर्नमेंट्स गोयल, ठीक है, जो गवर्नमेंट का लक्ष्य है उसके बारे में कुछ रिकमेंडेशंस और सुझाव हैं। ये प्रमोट करता है एनर्जी मार्केट को जो अच्छी तरीके से काम कर सके और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अच्छा वर्क कर सके। इंडिया जो है इसने एक अपना जो व्यू और विजन रखा है वो है इसका कि ये प्रोवाइड करेगा क्लीन एनर्जी, सिक्योर एनर्जी एंड अफोर्डेबल एनर्जी टू एवरी सिटीजन। तो ये है IEA की पॉलिसी रिव्यू, मतलब IEA की पॉलिसी रिव्यू में कहा गया है कि इंडिया का जो लक्ष्य है वो या स्ट्रॉन्ग रूप से वो प्रोग्रेस कर रहा है अपने नागरिकों को क्लीन एनर्जी, सिक्योर एनर्जी और अफोर्डेबल एनर्जी देने के लिए। इट्स रेगुलरली कंडक्ट इन डेप्थ रिव्यू ऑफ एनर्जी पॉलिसी फॉर इट्स मेंबर एंड एसोसिएशन कंट्री। ठीक है, ये हमेशा अपने मेंबर और एसोसिएशन कंट्री के लिए रेगुलरली जो IEA है वो डेप्थ रिव्यू की बात करता है और इंडिया जो है IEA का मेंबर है। सबसे पहली बार इसको 2017 में पब्लिश किया गया था। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। योर स्टेटमेंट फर्स्ट इज, रिसेंटली नीति आयोग रिलीज अ विजन डॉक्यूमेंट फॉर ए नेशनल डाटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म। द प्लेटफॉर्म एम टू डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू पब्लिकली अवेलेबल गवर्नमेंट डाटा, मतलब गवर्नमेंट की जो डाटा है उसको एक्सेस कर लोगों तक पहुँच बनाना उसकी। और ये जो है सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच है या यूजर सेंट्रिक अप्रोच है जो डाटा को सूटेबल और सिंपल इंस्टीट्यूटिव पोर्टल के रूप में प्रोवाइड कराएगा। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपके ऑप्शन है वन एंड टू, टू एंड थ्री, वन एंड थ्री, वन टू एंड थ्री। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वन टू एंड थ्री। थर्ड क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, नेचुरल फार्मिंग इम्बॉडीड प्रिंसिपल ऑफ एग्रो इकोलॉजी एक्टिवेटिंग माइक्रोबियल लाइफ इन सॉयल बायो इन कॉलम्स देयर बाय इम्प्रूविंग बोथ सॉयल एंड प्लांट हेल्थ। मतलब है कि जो नेचुरल फार्मिंग है का सिद्धांत है वो एग्रो इकोलॉजी को लागू करता है, जिसके द्वारा जिसमें बायो इन कॉलम्स के द्वारा जो सॉयल होता है उसमें माइक्रोबियल लाइफ को जेनरेट किया जाता है जो सॉयल और प्लांट दोनों के लिए यूजफुल होता है। द प्रैक्टिस एडवोकेट कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ सिंथेटिक केमिकल इनपुट्स, बिल्कुल, एंड इनकरेज नेचुरल इनपुट मल्चिंग प्रैक्टिस एंड सिम्बायोटिक इंटर क्रॉपिंग। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। योर ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ वन एंड टू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नेचुरल फार्मिंग है वो अल्टरनेटिव है केमिकल फर्टिलाइजर बेस्ड हाई इनपुट कॉस्ट एग्रीकल्चर का। आंध्र प्रदेश जो है वो पहला स्टेट है जिसने नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम 2016 में शुरू किया था। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। आपके ऑप्शन है, द अथॉरिटी मेन फंक्शन इज टू इंश्योर दैट ट्रेडर आर नॉट रियलाइजिंग अनफेयर प्रॉफिट बाई चार्जिंग हाई प्राइस फ्रॉम कंज्यूमर इन द नेम ऑफ GST। मतलब जो अथॉरिटी है ये नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी है, इसका काम क्या है कि इसमें ट्रेडर जो है वो अनफेयर प्रॉफिट अगर कोई कमाता है तो उसको ये रेगुलेट करता है GST के नाम पे। NAA इज हेडेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज, द GST लॉ ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द क्राइटेरियन ऑफ ए कंज्यूमर वेलफेयर फंड वेयर इन अनड्यू बेनिफिट मेड बाई बिजनेस अंडर द GST लॉ हैव टू बी डिपॉजिटेड इन केस इट कैंट बी पास्ड
ऑन इट टू इन डिफिसिट रिसिपियंट। अब थर्ड स्टेटमेंट है कि अगर जीएसटी के अंतर्गत जो रिसिपियंट है उसको अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो जो उससे पैसा अनड्यू बेनिफिट जो कमाएंगे बिजनेसमैन उसको कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डालना होगा या वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3। तो एंटी प्रॉफिट ट्रेडिंग एजेंसी क्या है? तो सबसे पहले ये जो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के सेक्शन 171 के अंतर्गत आता है। सो इट्स अ स्टैचुअरी बॉडी, ठीक है। एंटी जो ये अथॉरिटी है इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि जो प्राप्तकर्ता हैं या जो कस्टमर हैं उनको अनफेयर जो बेनिफिट होता है, ठीक है, तो अनफेयर बेनिफिट या हाई चार्ज जो बिजनेसमैन लगाते हैं कंज्यूमर के ऊपर उससे इसको बचाना है। इसका कोर फंक्शन क्या है कि जो भी टैरिफ मिल रहा है या जो भी छूट ग्राहक को मिलती है जीएसटी के थ्रू उसका लाभ जो है उसको पहुंचाना है कस्टमर के पास। और अगर कोई बिजनेसमैन या कोई अथॉरिटी इस तरीके से काम नहीं करती है तो उसको वो एंटी प्रॉफिट ट्रेडिंग एजेंसी के अंतर्गत वो चला जाएगा आपको कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। ये जो हेडेड किया जाता है वो हेडेड किया जाता है सीनियर लेवल ऑफ सेक्रेटरी, ठीक है, और इसमें 4 मेंबर होते हैं किसी भी स्टेट के या सेंटर के। इसके बाद में अनड्यू बेनिफिट जो होता है, अनड्यू बेनिफिट वो ऑटोमेटिक जो है डिपॉजिटेड होगा कहाँ पे, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में, तो इसको आप याद रखिएगा। और अगर एक्सट्रीम केस अगर ऐसा कोई बनता है कि अगर डिफॉल्टी कोई बिजनेसमैन बनता है तो उसको इम्पोज की जाएगी उस पर पेनाल्टी और उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। फिफ्थ स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑन एन एंशियंट टेम्पल ऑफ ह्यूली गेमन्ना कोल्ला इन कर्नाटका बिलोंग्स टू रॉयल ब्यूरियल साइट इन द चालुक्य डायनेस्टी। एक्सकेवेशन बाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन गोटी पोर्लू तेलंगाना इंडिकेट इट्स अ ट्रेड सेंटर ऑफ द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। रिसेंटली ASI हैज डिस्कवर्ड द अर्लीस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू सातवाहना किंगडम इन द चेपडोलू विलेज आंध्र प्रदेश। एंड रिसेंट एक्सकेवेशन कंडक्ट बाई ASI इन नगरधन महाराष्ट्र बिलोंग्स टू अकाटक डायनेस्टी। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। 1, 2, 3, 1, 3 and 4, 3 and 4, 1, 2 and 4, 1, 2, 3 and 4, तो जो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 and 4, क्योंकि ये जो गोत्री पुल्लू है वो तेलंगाना में नहीं है बल्कि ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से चारों स्टेटमेंट आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं या स्टेटमेंट फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि एंशियंट टेम्पल जो है हुगली कोलम्बा कोल्ला जो है कर्नाटका में है और चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग्स करती है। जो एक्सकेवेशन साइट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे गोट्रीपुलू आंध्र प्रदेश में है। ये जो ट्रेड सेंटर है अर्ली हिस्टोरिकल ट्रेड सेंटर है, ठीक है। इसके बाद में जो संस्कृत इंस्क्रिप्शन मिला है वो सातवाहना डायनेस्टी का मिला है, चेरुबरोलू विलेज आंध्र प्रदेश से, और नगरधन है वो महाराष्ट्र में, और वकाकटक डायनेस्टी के यहाँ से एक्सकेवेशन मिले हैं। सिक्स क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है कि कौन सा जो है सही है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ EVM वोटर्स हैड द चॉइस टू पुट द बैलेट पेपर विदाउट मार्किंग अगेंस्ट एनी कैंडिडेट, दिस वोट वॉज काउंटेड एज नोटा, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड स्टेटमेंट है, नोटा वॉज फॉर्मली इंट्रोड्यूस बाई द सुप्रीम कोर्ट इन लिली थॉमस केस, ठीक। और थर्ड स्टेटमेंट ही, छत्तीसगढ़ वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गिव द ऑप्शन ऑफ द नोटा टू द वोटर्स इन द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। आपके ऑप्शन है 1 and 3, 1 only, 2 and 3 and 1, 2 and 3, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1 and 3, क्योंकि जो थॉमस लिली केस है वो जो है अगर किसी सांसद के ऊपर या किसी भी MLA MP के ऊपर क्रिमिनल चार्जेज या वर्डिक्ट है लैंड, तो वो क्या करेगा, क्रिमिनल चार्जेज जब तक वो इस बेसिस पर डिस्क्वालिफाइड होंगे किसी भी चुनाव में पार्टिसिपेट करने से या किसी भी ऑफिस को होल्ड करने से, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। 27 दिसंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन द्वारा जो है नोटा का ऑप्शन दिया गया था और लिली थॉमस केस जो है वो लैंडमार्क जजमेंट है, किसके लिए, कन्विक्टेड MP और MLA के लिए क्रिमिनल केस विल बी डिस्क्वालिफाइड। सेवेंथ क्वेश्चन इज, एक्रिएशन ब्रस्ट इवेंट समटाइम्स इन न्यूज, ये किस लिए था? तो आपका ऑप्शन है मर्जिंग ऑफ स्टार, सुपरनोवा, एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सीज एंड डी ग्रोइंग स्टार। योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ग्रोइंग स्टार्स। एट क्वेश्चन इज, इन द कंटेस्ट ऑफ डेवलपमेंट इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स द टर्म ट्रांसक्रिप्टोम
सम टाइम सीन इन न्यूज, तो ये जो है जेनेटिक्स से रिलेटेड टर्म है, मैसेज आरएनए और डीएनए से रिलेटेड टर्म है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। ए रेंज ऑफ द एंजाइम यूज्ड इन जीनोम एडिटिंग, बी द फुल रेंज ऑफ एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन, एंड डी अ मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन टेकिंग प्लेस इन सेल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द फुल रेंज ऑफ एम आर एन ए मोलिक्यूल एक्सप्रेस बाई एन ऑर्गेनिज्म। नाइन क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एम ऑफ द ग्रीन इंडिया मिशन, को कौन सा जो है बेस्ट रूप से डिस्क्राइब करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकॉर्पोरेटिंग इन्वायरमेंटल बेनिफिट एंड कॉस्ट इन टू द यूनियन एंड स्टेट बजट, देयर बाई इम्प्लीमेंटिंग द ग्रीन अकाउंटिंग, मतलब इन्वायरमेंटल बेनिफिट के लिए यूनियन और स्टेट बजट में इसका प्रावधान किया गया है ग्रीन अकाउंटिंग का। सेकेंड स्टेटमेंट इज लॉन्चिंग द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन टू इन्हांस एग्रीकल्चरल आउटपुट सो डैट इंश्योर फूड सिक्योरिटी टू वन एंड ऑल इन द फ्यूचर। थर्ड इज रिस्टोरिंग एंड इन्हांसिंग फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाई अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर। तो बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। आपके ऑप्शन है वन ओनली, टू एंड थ्री ओनली, थ्री ओनली एंड वन टू एंड थ्री ओनली। आपके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थ्री ओनली, ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी प्रावधान बजट में नहीं किया गया है। अब यहाँ पर ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में देख लेते हैं कि ये जो भारत सरकार की जो 8 नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेटिक चेंज है उसके अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। ये 2012 के 12 ईयर प्रोग्राम में लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव है ग्रीन कवर को इनक्रीज करना, इम्प्रूव करना, ठीक है, और इसके बाद में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को बढ़ावा देना, हाइड्रोलॉजिकल सर्विस एंड बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देना, इंक्रीज फॉरेस्ट बेस्ड लिवलीहुड इनकम फॉर द 3 मिलियन हाउस होल्ड, ठीक है, तो 3 मिलियन लोगों के लिए फॉरेस्ट बेस्ड लिवलीहुड इनकम को जनरेट करना है। 10 क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन इज प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। विच ऑफ द गिवन अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फर्स्ट इज ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू। योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉट टू। लेट वी सी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन जो है इसको नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 के अंतर्गत लाया गया था, न कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत, ठीक है। लार्ज डेवलप्ड एरिया है जिसमें इकोसिस्टम को प्रमोट किया जाता है और मैन्युफैक्चरल एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाता है। भारत में अभी जो है 3 नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन है, जो जिसका नाम है प्रकाशम आंध्र प्रदेश, संगारेड्डी तेलंगाना एंड कलिंगानगर उड़ीसा, ठीक है, इसको इस तौर पर डेवलप किया गया है, और 13 जो है प्रपोज्ड है। इसके अलावा जो 8 इन्वेस्टमेंट रीजन है ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलोंग्स बनेंगे, और मेन ऑब्जेक्टिव है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो है प्रोमोशन ऑफ एक्सपोर्ट है, ना कि NIMZ का, तो इसलिए स्टेटमेंट आपका 2 जो था गलत है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, जबकि NIMZ का जो प्रिंसिपल है वो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, स्टेट फोकस मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसको याद रखिएगा कि NIMZ का जो उद्देश्य है वो प्रोमोशन ऑफ एक्सपोर्ट नहीं है, बल्कि ये सेज का ऑब्जेक्टिव है। आपको बताना है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है। आपके ऑप्शन है ए, इट इज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर टू अंडरस्टैंड, क्वांटिफाई एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस इमिशन। बी, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन टू ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव टू डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। सी, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट रेटिफाइड बाई ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन टू स्पेसिफाइड लेवल बाई द ईयर 2022। एंड डी इज इट इज़ वन ऑफ द मल्टीलेटरल RED+ इनिशिएटिव होस्ट बाई द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए कहता है कि एक ग्रीन अकाउंटिंग टूल है जिसके द्वारा गवर्नमेंट और बिजनेसमैन जो है क्वांटिफाई और अंडरस्टैंड करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन कितना हुआ। बी कहता है कि ये यूनाइटेड नेशन का एक इनिशिएटिव है जिसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है डेवलपिंग कंट्री को, ताकि वो ग्रीन हाउस गैस के इमिशन और मिटिगेशन को कम कर सके और उसको इको फ्रेंडली बना सके। सी स्टेटमेंट कहता है कि एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है जिसको रेटिफाई किया गया है यूनाइटेड नेशन के हर एक मेंबर द्वारा, ताकि ग्रीन हाउस गैस इमिशन को 2022 के लेवल पर इसको रेखांकित किया गया है। एंड डी कहता है कि एक मल्टीलेटरल RED
इनिशिएटिव है जिसको वर्ल्ड बैंक फंड प्रोवाइड करता है या इनिशिएट किया है, तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इट इज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर टू अंडरस्टैंड क्वांटिफाई एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। 11th 12th क्वेश्चन की ओर, तो यहां पर आप देख सकते हैं इट इज, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है डिकेड लॉन्ग पार्टनरशिप है बिटवीन वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट न कि वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड सेकेंड है वर्किंग विथ बिजनेस, ये बिजनेसमैन के साथ कोलैबोरेट करता है, गवर्नमेंट के साथ, इन्वायरमेंटल ग्रुप के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ कोलैबोरेट करता है ताकि टैकलिंग क्लाइमेट चेंज के जो प्रोग्राम्स हैं उसको ये कर सके। जो 12th क्वेश्चन है वो है विथ रेफरेंस टू द 71st रिपब्लिक डे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फॉर द फर्स्ट टाइम डेट अ प्राइम मिनिस्टर पेड होमेज टू मर्टायर एट अ नेशनल वॉर मेमोरियल नियर इंडिया गेट इंस्टीट्यूट ऑफ अमर जवान ज्योति, तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि पहले जो है प्रधानमंत्री जो है 26 जनवरी को जो है अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि अर्पित करते थे, जबकि इस बार पहली बार हुआ है कि नेशनल वॉर मेमोरियल पर किए हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील जायर मिसेस बोल्सोनारो वाज द फर्स्ट दिस ईयर चीफ गेस्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू नीदर वन नॉट टू, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सी बोथ वन एंड टू। जो NWM है इसको इनोग्रेट किया गया है फरवरी 2019 में, ठीक है, इसलिए पहली बार यहाँ पर होमेज पे किया गया है। जो इंडिया गेट पे 22,500 इंडियन सोल्डर जो वॉर में शहीद हुए थे उनके लिए ये किया गया है, और अमर जवान ज्योति जो है अब सिर्फ यूज किया जाएगा रेजिमेंटल इवेंट और विजिटिंग डिग्निटरीज के लिए। 13th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री मेडल इन पीस टाइम। पीस भारत में दो तरह के अवार्ड होते हैं, एक होता है वॉर टाइम के लिए और दूसरा होता है पीस टाइम के लिए, तो आपको बताना है कि थर्ड गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है पीस टाइम के लिए। आपके ऑप्शन हैं ए शौर्य चक्र, बी परमवीर चक्र, सी महावीर चक्र एंड डी वीर चक्र, तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए शौर्य चक्र। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर होता है परमवीर चक्र जो वार टाइम में दिया जाता है, फिर अशोक चक्र और महावीर चक्र, ये तीनों जो है वार टाइम में दिए जाते हैं। पीस टाइम में जो दिया जाता है वो है कीर्ति चक्र, वीर चक्र एंड शौर्य चक्र, ठीक है। इसका अनाउंसमेंट होता है साल में दो बार 26 जनवरी और 15 अगस्त को, ये जो है ठीक है। जो 14th क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द 75th एनिवर्सरी ऑफ लिबरेशन ऑफ ऑस्ट्रिच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आजकल बहुत चर्चा में है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये जर्मन और फ्रांस के बीच की एक ट्रीटी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की, ठीक है, सॉरी जर्मनी और फ्रांस के बीच की। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द कैंप वाज लोकेटेड इन ऑस्ट्रिच इन जर्मन ऑक्युपाइड पोलैंड, सेकेंड स्टेटमेंट इज इन 2005 द यूएन डेजिग्नेटेड जनवरी 27 एट इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेंबर डे, ठीक है, तो ये होलोकॉस्ट रिमेंबर डे जो हिटलर द्वारा चलाया गया था उसके लिए है। आपके ऑप्शन है वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू नीदर वन नॉट टू, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बोथ वन एंड टू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो है गवर्नमेंट जो है नाजी सरकार ने या हिटलर ने 17 मिलियन लोगों को तकरीबन मारा था, ठीक है, और इसके लिए हाफ डजन जो है कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए थे जिसमें 7 कंसंट्रेशन कैंप थे, और जो एक ऑस्ट्रिच का था वो सबसे बड़ा था, तो उसी को आज़ाद कराया गया था इस डेट को 27 जनवरी को, इसीलिए इसको मनाया जाता है इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे के रूप में, ठीक है। 15th क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द बोडो एग्रीमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेटअप ए कमीशन अंडर द सेक्शन 14 ऑफ द 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू रिकमेंड द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन द विलेज एडजॉइनिंग बोडोलैंड टेरिटरी एरिया डिस्ट्रिक्ट एरिया, ठीक है। आप फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि ये इसके अंतर्गत जो है सेक्शन 14 के अंतर्गत एक कमीशन इस्टेब्लिश किया जाएगा 6th शेड्यूल में, ठीक है, जो बोडोलैंड टेरिटोरियल एंड एरिया डिस्ट्रिक्ट में बताएगा कि कौन सी कम्युनिटी जो है यहाँ पर एक्सक्लूड करेगी या इंक्लूड करेगी। द गवर्नमेंट ऑफ असम विल बी इस्टेब्लिश ए बोडो कचहरी वेलफेयर काउंसिल, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू नीदर वन नॉट टू, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बोथ वन एंड टू। यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी इस ट्रीटी को जो भारत सरकार और बोडो असम लैंड के बीच हुई थी उसके 50 साल पूरे हुए हैं, इसलिए ये चर्चा में था। 16th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड स्टेट आफ्टर पंजाब टू इस्टेब्लिश द GOTT PMU फॉर इफिशियंट एंड ट्रांसपेरेंट प्रोक्यूरमेंट, तो ये ई नैम के अंतर्गत सेटलमेंट किया गया है ट्रांसपेरेंट खरीदारी और बिक्री के लिए, ये एक पोर्टल टाइप है। तो सबसे पहला स्टेट जो था वो पंजाब था, सेकंड स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन है। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी वेस्ट बंगाल एंड डी उड़ीसा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश यह है, इसने इसके साथ एक समझौता किया है या MOU को साइन किया है ताकि ये GM ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन टीम जो है इस्टेब्लिश कर सके, ताकि जो बायर एजेंसी है उसको असिस्ट किया जा सके और किसानों को जो है मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ऑनलाइन मार्केट प्लेस है ये। 17 क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द थर्ड ग्लोबल पोटैटो कन्क्लेव कंसिडर द फॉलोइंग। द कन्क्लेव इज बिंग ऑर्गेनाइज बाई नीति आयोग। सेकेंड स्टेटमेंट इज गुजरात इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ पोटैटो इन द कंट्री। तो आपके जो राइट आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सही है। आपके ऑप्शन है वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली। ये जो है कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन पोटैटो एसोसिएशन के द्वारा और इसने कोलेबोरेट किया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला एंड इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जिसकी हेडक्वार्टर है लिमा पेरू में, ठीक है। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया कहाँ पे, गुजरात के गांधीनगर में। पूरे देश में जो आलू की पैदावार है वो 19% तक बढ़ी है, जबकि गुजरात में आलू की पैदावार पिछले 3 सालों में 170% के आसपास बढ़ी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के डिस्कशन में टोटल हम लोगों ने 19 क्वेश्चन को डिस्कस किया।